मेरे मौला फरमाते मन बका अलल हुसैन ओ अबका ओ तबाका वजबत लहुल जन्ना, जो हुसैन पर रोए या रुलाए या रोने का माहौल बनाए, मैं तर्जुमा नहीं करता रोने की शक्ल बनाए, जब हम तर्जुमा करेंगे रोने की शक्ल बनाए तो फिर ये वाली शक्ल जहन में आती है चेहरा, वो तो पहले फरमा दिया ना जो रोए, कह तो दिया कि जो रोए जो रुलाए जो रोने का माहौल बनाए, यानी बानी है मजलिस सजा, यानी इंतजाम और एहतमाम करने वाला इमाम बारगाह की इंतजामिया, जो फर्श बिछाए जो माइक लगाए जो अजादारों को बैठने और उनके आने और उनके मजलिस में बैठने के इंतजाम करे, जो रोने का माहौल बनाए जी, उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। बाज लोग कहते हैं कि मौलाना रोना हदफ तो नहीं है, मैंने कहा मैं एक साहब मुझसे कहने लगे मौलाना कहीं आपने कहा है कि रोना हदफ तो रोना हदफ है रोना मकसद है, तो हम रोने के लिए पैदा हुए हैं। मैंने कहा भाई मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ जितने बड़े तुम आलिम हो जी, मैं तुम्हारी बातों को समझने के लिए मुझे कहीं पहले तालीम हासिल करनी पड़ेगी, जरा समझो फलसफा अज़ा को, जरा महसूस करो फलसफा अज़ादारी को। ये रोना इंसान के दिल को नरम करने की बेहतरीन मशक है, और सारा मसला ही दिल की नरमी का है। दिल नर्म होगा तो इबादत अच्छी होगी, दिल नर्म होगा तो इंसानियत होगी, दिल नर्म होगा तो हुकूक की अदायगी होगी। ये जो भाई बहनों का हक खा रहे हैं, जाने दीजिए, ये जो भाई बहनों का हक खा रहे हैं ये दिल नर्म नहीं है ना, ये जो भाई भाई पर मुकदमा कर रहा है ये क्यों है, दिल नर्म नहीं है ना, ये जो मां बाप की तोहीन जवान कर रहा है ये क्यों है, दिल नर्म नहीं है ना। आप जितने भी मसाइल की जड़ पर जाइए एक ही जड़ बनेगी, दिल सख्त हो गया है, क्या करें कि दिल नर्म हो जाए। भाई एक बुनियाद ठीक कर दो इमारत खुद ठीक होती चली जाएगी, बुनियाद अच्छी कर दो इमारतें खुद ठीक होती चली जाएंगी। ये ऐसे ही नहीं फरमा दिया जो हुसैन पे रोए उस पर जन्नत वाजिब है, तुम्हें रुलाया जा रहा है हमें रुलाया जा रहा है ताकि दिल नरम हो जाए, माशरे के फसाद खत्म हो जाए।